तो दोस्तों बिहार में एक और बम्पर भर्ती ला दिया गया है। ये जो भर्ती आपका टोटल जितना भी ब्लॉक है वो सभी ब्लॉक के जिले वाइज स्तर पे बहाली किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना भी जिले हैं, जितने जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक होती है सभी ब्लॉक में भर्ती किया जाएगा। ये जो भर्ती होगी सिंपल सा, अगर आप 10th पास किए हुए, यानी कि 10th पास किए हुए लड़का ये लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो वैकेंसी होगी टोटल आप देख सकते हैं 13,206 पदों के लिए। इसके लिए ना कोई एग्जाम देना होगा, ना कोई फॉर्म फिल करने के लिए फी देना होगा। ये आपको डायरेक्ट सीधे भर्ती किया जाएगा आपके मेरिट के आधार पर। साथ ही इस फॉर्म को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, इस फॉर्म का लिंक, सारा प्रोसेस को आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाधीरराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ मैं। डायरेक्ट फॉर्म फिल करने का जो लिंक को ओपन कर दिया हूँ, यहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। जो आपकी वैकेंसी होगी नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा लाया गया है, जहाँ पे टोटल आपका 13,206 पद के लिए है। ठीक है, तो ये जो पद होगी आपकी पूरे बिहार के सभी जिले के ब्लॉक वाइज भर्ती किया जाएगा। तो चलिए इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका नेशनल यूथ वॉलंटियर 2021 के तहत आपका बहाली किया जा रहा है। चलिए दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे पीडीएफ फाइल में आना होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये रहा जो मैं ऑलरेडी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया हुआ हूँ, NVNYVA सिलेक्शन गाइडलाइन 2021-22 का है। तो देखते ये जो पीडीएफ फाइल है टोटल 20 पेज में है। अगर वन बाई वन करके सभी बातें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बात को यहाँ पर टच करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ NYVAs फॉर द ईयर 21-22 का पर दिया गया है पूरा गाइडलाइन। तो चलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका मेटेरियल मेटेरियस यंग कैंडिडेट के लिए दिया गया है, यानी कि आप लोग शादीशुदा होना चाहिए लेकिन यंग, किसी का कोई भी एजेंट नहीं। मतलब कि कहने का है कि 30 साल के अंदर, 25 साल के अंदर के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी होगी आपको वॉलंटियर के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है आपको मैं सिर्फ वो बताऊंगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव स्कीम होगी, यहाँ पर आपका 18 से 29 साल के ईयर, यानी कि आपको मैं जो बताया था बिल्कुल सही था, 25 साल यानी कि 18 से 29 साल के अगर बीच में आते हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सैलरी होगी इससे आपको मिलेगी 5,000 रुपया, और इसमें कुछ आपको ऊपरी इनकम होती है जो आपको मैं बताऊंगा लास्ट में। तो 5,000 आपको सैलरी मिलेगी या 5,000 आपको पूरी इनकम होती है, तो टोटल मिला के आपको बनेगी 10,000। क्योंकि इस तो जो अदर चैनल वाले थे, जो अदर यूट्यूब में वीडियो बनाए हुए हैं, वो सीधे बोल रहे हैं आप सभी के लिए कि 5,000 सैलरी मिलेगी। नहीं दोस्तों, 5,000 नहीं बल्कि आपको टोटल सैलरी हो जाएगी 10,000। हाँ, आपको ये जो संगठन है, इस संगठन के थ्रू आपको 5,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बेनिफिट होगा, वही बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं तो नीचे, जहाँ देख सकते हैं आपका स्कीम हैज फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो वेबसाइट है जहाँ से मैं फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट आप वहां से ये दोनों चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे आते हैं, जहाँ दे सकते हैं ये रहा, यहाँ पर आपको टोटल बताया गया है कितना कितना सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का गवर्नमेंट फॉर्म से अप टू डेट रहना, तो प्लीज आप मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर तरह का वीडियो, हर तरह का जो भी वैकेंसी आती है मैं अप टू डेट करते रहता हूँ। तो ये सारा वैकेंसी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दो, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कर देना। जहाँ दे सकते हैं टोटल आपका 13,206 सीट है, और ये टोटल 13,206 सीट कितना केंद्र पर बंटेगी, तो 623 केंद्र पर ये बांटा जाएगा। प्रत्येक आपका केंद्र पर आपका 3 वॉलंटियर रखा जाएगा। यहाँ पर एज बताया गया है, तो एज मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 29 साल होना चाहिए, जो आपको कवर किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, तो नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन कमेटी तय किया, किस किस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया पूरी बात डिटेल से कि आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा ए बी और सी, ये तीनों चरण से चलेगी, आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। ये सिलेक्शन है आपका, ये सिलेक्शन कमिटी हैज बीन अप्रूव विद द फ्लोइंग कंपोजिशन। ये फ्लोइंग कंपोजिशन यानी कि आपको डीएम के, डायरेक्टर कलेक्टर के अनुसार होगा, डीएम के अनुसार, वहाँ चेयरपर्सन के अनुसार टोटल आप लोग का नाम जाएगा, जो जो लोग फॉर्म फिल किए वहाँ से आप लोग का क्वालिफिकेशन देखकर जो भी होता है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद तो नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल करने का पूरा डेट एंड टाइम दिया गया, आप देख सकते हैं टाइम लाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ NYVAs, जहाँ पे एक्टिविटीज और टाइम शेड्यूल के अनुसार देख सकते हैं कि इशू ऑफ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है जो 5 फरवरी को इशू किया गया था। इस फॉर्म को जो फिल करने का जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन है, 20 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सॉरी, तो मैंने लगता शुरू में जो बताया था ये यहाँ पे जो थंबनेल था मेरा,
यहाँ पे मैंने लास्ट डेट 1 अप्रैल लिख दिया हूँ दोस्तों, सॉरी ये एक्चुअली मैं लिखा हूँ 1 अप्रैल, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था उसके अनुसार मैंने ध्यान नहीं दिया हूँ, देख सकते ये रहा, मैं इसके अनुसार लिख दिया हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइन यानी कि आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा 1 अप्रैल को, तो मैंने 1 अप्रैल ही डाल दिया दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मीटिंग होगा, जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पर टोटल आपको 1 तारीख को जो लोग सिलेक्शन किया जाएगा उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। अब इसको आते हैं दोस्तों नीचे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर, तो ये रहा दोस्तों जो आपको बता रहा था कि आपको जो सैलरी होगी 5,000 होगा सैलरी ठीक है, 5,000 के बाद टोटल आपको 10,000 सैलरी सेंसेशन टू इच केंद्र डिस्ट्रिक्ट ठीक है। तो आप देख सकते यहाँ पर 5,000 की सैलरी तो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको 5,000 इंक्लूड करके टोटल 10,000 सैलरी बनेगी, यानी कि तो जो भर्ती लाया गया आप सभी के लिए 10,000 सैलरी आपको पक्का मिलेगी सभी कैंडिडेट को। देखते यहाँ पर बताया गया साफ तरीके से कि 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट इज बींग प्रोवाइड टू मीट आउट द इंटरव्यू ठीक है। तो बस ये था, अब आते हैं तो नीचे, तो यहाँ पर आप सभी को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जहाँ पर टोटल आपको 15 डेज का आपको इंडक्शन ट्रेनिंग चलेगा, जो वॉलंटियर के रूप में आप वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे वॉलंटियर के लिए 15 दिन का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपको 7 दिन का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, देख सकते हैं आपको 7 दिन का जो फ्रेशर रिफ्रेशर है उनके अनुसार ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो टोटल अगर आपको चुनाव किया जाता है इसके लिए तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगा। और तो जो फॉर्म फिल करने का जो तरीका है तो यहाँ पर आपको बताया गया है, आपका एक पैम्पलेट दे दिया गया है, इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगी जहाँ पे आपको ये सारा डिटेल्स को डालना होगा ठीक है। तो इसी तरह से आपको फॉर्म फिल करना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ऑन करके, वेबसाइट को ऑन करके। नीचे आते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आपका है एक नोटिस दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सिंपल सा अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एज बता चुका हूँ पहले ही, 18 से 29 साल के बीच होना चाहिए, जो आपका 1 अप्रैल 2021 होना चाहिए, और आपका रेगुलर नो रेगुलर स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग NYC, नो रेगुलर स्टूडेंट नहीं यानी कि आप डिस्टेंस मोड से या किस तरह से हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर के रूप में ठीक है। जो आपको सैलरी होगी यहाँ पर बताया जा रहा है 5,000 पर होगा इंक्लूसिव 2 ईयर्स, आपको यहाँ पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पे सैलरी बनेगी 5,000 और कुछ एक्स्ट्रा होगी 5,000 आपको ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको विजिट करना होगा वेबसाइट, वेबसाइट दोस्तों ये रहा, इसी वेबसाइट में आपको विजिट करना होगा। चलिए मैं वेबसाइट में आ जाता हूँ, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर लेता हूँ ठीक है। जो आपको वेबसाइट दिखा रहा था वही वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है ऊपर में आप देख रहे होंगे, ये रहा लिंक, तो इस वेबसाइट में आ चुका हूँ, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का गवर्नमेंट फॉर्म से अप टू डेट रहना तो आप मेरे चैनल से बन रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में हर तरह का वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट न्यूज देते रहता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, और इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर भी कर देना। दोस्तों देखते हैं ये रहा जो फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो ऑब्वियसली आपको स्टेट होगा बिहार, इसलिए मैं बिहार चूज कर लेता हूँ ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बिहार को आपको चूज करना है डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट से चूज कर लेता हूँ, तो मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से वो चूज कर लीजिएगा ठीक है अपने अनुसार, चलिए मैं पटना चूज कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना है, देन आपको ये जो सबमिट है इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ, सबमिट पे जैसे क्लिक करूंगा तो एक जो मेन पेज है आपका फाइनली जो है फॉर्म का ये रहा जो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपको सारा फॉर्म को फिल कर लेना है। जैसे तो यहाँ पर सारा फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पर आपका नाम डिटेल्स टोटल आपको यहाँ पर दिया गया, आप अपने अनुसार स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पर तो देख सकते ये टोटल आपको 1 बाय 1 करके फॉर्म को फिल कर लेना ठीक है। उसके बाद तो नीचे आइएगा, यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो इसके बाद हो सके तो एक पेज और ओपन होगी, तो आप उसको फिल करके देन सबमिट कर लेना। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फी नहीं लगने वाली है, ये फ्री कॉस्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर्म फिल करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।